वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल मोमे स्माइल पिजन्स में। तो फ्रेंड आज हम कबूतर पकड़ेंगे, तो सामान तो नीचे से लेके आए हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। एक हमें बर्तन चाहिए, कोई भी बर्तन हो जिसके अंदर भाई कबूतर आसानी रह सके। उसके बाद आपको डोरी चाहिए, कोई सी आप डोरी ले सकते हो इस तरह की डोरी। उसके बाद आपको लकड़ी चाहिए, इसके अलावा आपको दाना भी थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को आपको पकड़ना है तो पहले आपको दाना दे के उनको लालच वगैरह दे के उसको पकड़ना है। तो पहले फटाफट इन डोरी को इसमें बांधते हैं, उसके बाद इनको बीच में रखते हैं, क्योंकि बाकी कबूतर हमने बंद करके रखे हुए हैं। सिर्फ आप दोस्तों एंटरटेनमेंट के कबूतर पकड़ने, कोई भी परिंदा आपको आसानी नहीं पकड़ में आता, तो ये तरीका जो हमारे देसी विलेज में पकड़ते हैं किस तरह पकड़ा जाता है। तो फटाफट पहले इनको बांधते हैं, बाद में वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हमने पूरा सेटअप बना लिया है, यहाँ से हमने ईंट वगैरह रख दी है, यहाँ से ईंट रख दी है, आपको बेटा यहाँ से दिखा बेटा नीचे था, तो यहाँ पर भी हमने ईंट वगैरह रख दी है, क्योंकि इसको हिलना नहीं चाहिए। अगर कोई परिंदा इसके ऊपर चढ़ गया तो ये एकदम से गिरेगी तो उड़ जाएगा भाई। ये देसी हम जो भी परिंदे वगैरह कोई चीज़ पकड़ते हो इसी तरह से पकड़ते हैं इंशाल्लाह। बाकी काफ़ी सारी वीडियो इसके ऊपर आएंगी। बाकी हमने डोरी इसमें बांध के लकड़ी के सामने रख दी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आपको पकड़ना है थोड़ी सी आपको लालच लाजमी देनी है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा पसीने पसीना हो चुका हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी डोरी को खोलते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है आप देखो आगे। तो गाइस हमने डोरी हमने सामने रख दी है, क्योंकि पहले अपने परिंदों के ऊपर टेस्ट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह दूसरे परिंदे भी पकड़ेंगे। तो फटाफट से अभी रोटी लेके आया हूँ बेटा, निकाल निकाल तो सही रोटी है। तो ये आपके सामने मैंने रोटी रख दी है, थोड़ी सी उनको रोटी वगैरह रखी, लालच देनी है, क्योंकि हमारे दो कबूतर सामने निकल भी आ चुके हैं। अगर ये बेटा दिखा, एक ये कबूतर ये लोग थे, हमने जब सफाई की थी अंदर से साफ किया था, निकल के आ चुके हैं, तो आसानी नहीं जा रहे, तो इस तरह पकड़ के भी हम अंदर कर सकते हैं। तो पहले इनको लालच वगैरह देंगे, क्योंकि अपने परिंदे बेटा वहाँ से दिखा इनको कैसे चलेगा मेरी वीडियो से दोस्तों। तो गाइस आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अपने आप जा रहे हैं। तो अभी रोटी क्या करेंगे, पहले इनका थोड़ा सा आगे पीछे होगा, उसके बाद आपको क्या करना है रोटी इसके अंदर रख देंगे बेटा इधर का। तो डोरी आपको ये हाथ में पकड़ रखनी है, और उधर देखा बेटा दूसरा बंदा कबूतर अंदर जाएगा, तो एक जोड़े को साथ इधर पकड़ेंगे, क्योंकि आपको क्या रखना है उसके सर के ऊपर ना आ जाए, नुकसान वगैरह ना हो जाए। तो ये चलेंगे तीनों के तीनों अंदर अंदर। ये पकड़ में आ चुके हैं। तो गाइस आपने देखा हमने किस तरह से कबूतर में पकड़ाया, अभी ये फटाफट अपने कबूतर है, तो इनको खोल देंगे। ये कबूतर में भाई पता ही नहीं चला इस तरह से हमने कबूतर में पकड़ लिया है, क्योंकि भाई हर चीज़ की अपनी लिमिट होती है, किसी को भी अपनी लालच वगैरह दे के उनको घुलाना पड़ता है। जिस तरह आपने देखा किस तरह से हमने अपनी अपने परिंदे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दूसरे परिंदों के ऊपर टेस्ट करेंगे। बाकी कबूतर के अलावा दूसरे कबूतर पंछी है, जैसे हमारे विलेज में दूसरे पंछी है, इस तरह से हम बचपन में इस तरह से पकड़े थे, तो आज आपने देख लिया इस तरह से हम विलेज में पकड़ते हैं। तो ये अभी फटाफट इनको वापसी रखते हैं, बाकी परिंदों को खोलते हैं, इनको दाना वगैरह देते हैं। तो फिर आज की वीडियो इतनी, अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और अपना सारा ख्याल रखिए। दुआ में आके तब अल्लाह हाफिज़।